खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब। नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, आज हम चुनाव यात्रा के क्रम में पहुंच चुके हैं राजधानी एक्सप्रेस में, और यहाँ की जनता से, यहाँ की सवारी से जानने की कोशिश करेंगे आखिर में सरकार 2019 में किसकी, और पिछले 5 सालों में क्या व्यवस्थाएं रेलवे में सुधार हुई है, या लगता है कि जो सरकार पहले थी वही अभी रहे तो अच्छा है, या लगता है कि रेलवे की व्यवस्था और सुधार की जा सकती है। इन्हीं सब बातों के बीच में हम बातें करेंगे। इधर चलते हैं अंदर, राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस बार सरकार किसकी। तो चलिए, आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी होनी चाहिए? कांग्रेस की होनी चाहिए। कांग्रेस की होनी चाहिए। ऐसी क्या खराबी आप देखें कि नरेंद्र मोदी को नहीं आना चाहिए? खराबी यही कि लोग, आम जनता तो अस्त व्यस्त हो गए हैं। आम जनता अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त पूरा हो गया। जो बड़े लोग हैं वही लोग, वही बड़े लोग, वही ठीक, बस वही ठीक है। आम जनता तो अस्त व्यस्त है, हम तो यही कहेंगे। जी, आपके हिसाब से किसकी सरकार इस पर होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी की? दो ऐसे तो दो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी है हमारी, बट फिर भी काम नरेंद्र मोदी ने किया है तो उनका प्रेफरेंस ज़्यादा है। अभी हमने ध्यान दिया, राहुल गांधी का मैनिफेस्टो भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं था, नहीं तो राहुल, नरेंद्र मोदी श्योरली। मतलब नहीं लगता है कि राहुल गांधी बेहतर कर पाएंगे मोदी से? ऐसी बात नहीं है, ट्राई करेंगे तो कर सकते हैं। कोई तो भी ट्राई तो जनता ही ना करवाएगा, उनको वोट देगी तभी जीत पाएंगे। हमारे अनुसार विमेन कैंडिडेट का थोड़ा बढ़ना चाहिए। हाँ, विमेन कैंडिडेट हर पार्टी में बढ़नी चाहिए, और थोड़ा कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो भी पार्टी काम करेगी वो अच्छा करेगी, उसको बढ़ाना होगा। हाँ। चलिए, आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस से और यहाँ की जनता की बात। चलिए भैया, ये बताइए कि इस बार की सरकार किसकी होनी चाहिए 2019? एकदम क्लियर मैंडेट आ रहा है, मोदी जी की बननी चाहिए। मोदी जी की बननी चाहिए, एकदम श्योर। मतलब आपको नहीं लगता है कि इस बार कांग्रेस आए तो उनसे बेहतर काम करे? कांग्रेस तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, देश मैंडेट पूरा मोदी के समर्थन में दे रहा है, 100% मेजोरिटी सरकार बना रहे हैं। राहुल जी को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखें। राहुल गांधी जनता से वादा किए हैं अगर हम सरकार में आते हैं तो 72,000 रुपया देंगे। कोई 72,000 कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं। मेन विकास जो हो रहा है देश के लिए, राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र के लिए, और अपने सेनाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं मोदी जी, देश का सबसे बड़ा टक्कर दे रहे हैं दूसरे देशों को, और दूसरे देशों से अच्छा संबंध बना रहे, इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब तक इतिहास में जितना मोदी जी ने देश विदेशों में भारत का परचम लहराया है, शायद ही कोई आने वाले समय में भी ऐसी इतना कर पाएगा। मोदी से ज्यादा हमें अपेक्षाएं हैं और ज्यादा करेंगे। एक चांस और देना चाहिए ताकि जो भी उन्होंने कमियां इस बार हम लोग लगता है कुछ नहीं कर पाए जो वादे किए थे, अगली बार जरूर। आपको इतना भरोसा है कि अगली बार 100% जो वादा बचा? हाँ हाँ, एकदम। अब 15-15 लाख रुपए का वो तो अफवाह लोग उठाते हैं, वैसा कुछ सबको 15-15 लाख मोदी जी दे देते हैं तो करेंगे क्या? काला धन भी लाना अफवाह नहीं था। काला धन ठीक है, प्रयास सरकार ने की है अपने स्तर से, लेकिन वो जाकर जबरदस्ती कहीं से नहीं, दूसरे देश से संधि है, समझौता है, उसके अनुसार सब अपना प्रयास करते हैं, प्रयास में लगे हुए। एक मौका और उन्हीं की सरकार 100% देना चाहिए। चलिए, का भी सपोर्ट उनके प्रति होनी चाहिए। हम लोग तो आपका बस मीडिया दिखाएंगे, वही तो हम लोग, हम तो बस डायरेक्ट आप लोग का भाव जानना चाह रहे हैं कि आप लोग के हिसाब से किसकी सरकार। विकास की बातें, विकास के पटरी पर जो गाड़ियां चल रही है, आप जाकर देहात में देखें, देहातों में आपको खास करके शहरों से ज्यादा मिलेगा, 24 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे किसानों को डीजल की काफी बचत हो रही है, और नाली से लेकर सड़क से लेकर हर गली गली में व्यवस्थाएं सुधरी है, बहुत बहुत सुधरी है। थोड़ी सी और जरूरत है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल की जगह है, इस बार जो टाइम देंगे उसमें हो जाएगा, उसमें कोशिश प्रयास सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आप देख रहे हैं, इधर दो भाई लोग हैं कि किसकी सरकार होनी चाहिए? तो मोदी की सरकार बननी चाहिए, मोदी की सरकार बननी चाहिए। उतना बढ़िया तो प्रधानमंत्री कोई नहीं है अभी आज के, कोई नहीं है, और जितना उन्होंने उपलब्धि किया है वो देखने को आ रहा है, देहात में जाके देखा जाए क्या उपलब्धि उन्होंने किया है। आज बैंक वाले पहले चक्कर लगाते थे, बैंक वाले इजी वे में लोन कर रहे हैं, घर तक जाते हैं, घर तक जाना और इजी वे में वो लोन कर रहे हैं। हम लोगों को तो मोदी सरकार ही चाहिए, उससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। राहुल गांधी आएंगे तो अच्छा काम? उनसे तो नहीं हो पाएगी, उनसे तो नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। कौन सी ऐसी काम जो सबसे अच्छी आप? सबसे बढ़िया सुलभ शौचालय देखिए, प्रधानमंत्री घर योजना देखिए, उनकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखिए, गैस का देखिए,
सारी उन्होंने उपलब्धि की है, व्यवस्थाएं में सुधार हुई है जी। सर आपके हिसाब से किस? मेरे हिसाब से वापस है कंटिन्यू होना चाहिए मोदी ही गवर्नमेंट का, मोदी की ही सरकार आनी चाहिए। अब राहुल गांधी की एकदम नहीं? नहीं, राहुल गांधी की इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि देखिए अभी लास्ट टाइम भी पहले भी स्ट्राइक हमला हुआ था, इंडिया पे हुआ था, आज तक कभी मुँह तोड़ जवाब नहीं मिला था। इस बार आया हुआ तो मुँह तोड़ जवाब दिए हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ पावर है, सब चीज़ है हमारे पास, फिर भी हम लोग देते नहीं है, बात ही करते हैं, बात करने से नहीं एक्शन भी करना, डिसीजन पावर नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर मोदी जी में, मोदी जी में है और राहुल गांधी में नहीं। हाँ कांग्रेस में पहले नहीं था, राहुल गांधी को मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस में ही नहीं था पहले, कांग्रेस में अब तक कोई डिसीजन ऐसा कुछ खास नहीं लिया गया था, जब भी जरूरत पड़ा तो इस बार भी मोदी को एक मौका मिलना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते चलते इधर बात कर लेते हैं, इधर भी कुछ लोग हैं जो छोड़ने आए हैं ट्रेन। 2019 में किसकी सरकार होनी चाहिए? 2019 में जो है अभी नरेंद्र मोदी जी, होने की सरकार होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए क्योंकि जो भी उन्होंने किया है हमारे यूथ्स के लिए भी अच्छा किया है काम, तो बेटर है वही रहे। फिर एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। हाँ नहीं, मौका तो हमेशा मेरे नहीं, हम इसलिए पूछे राहुल गांधी को मौका नहीं मिलना चाहिए इस बार? मौका का तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट हाँ हमेशा अगर नए चेहरे आ रहे हैं, अगर यूथ आ रहे हैं हमारे पॉलिटिक्स में, तो उनको मौका मिलना चाहिए हमेशा नए चेहरे को। बट अगर नरेंद्र मोदी जी भी हैं तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट हमेशा नया मौका नए लोगों को मिलना चाहिए। आपको ये लगता है कि दूसरे कोई नया चेहरा भी आएगा तो इनसे बेहतर काम करेगा? हाँ ऑब्वियसली कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, हमेशा अगर आप नए चेहरे को दे रहे हो मौका तो वो कर सकते हैं काम। तो और अगर नरेंद्र मोदी जी भी बनते हैं तो उन्होंने भी अच्छा काम किया है, काफी सराहनीय काम किया उन्होंने, तो बट हाँ अगर नए चेहरे हैं तो हम वो भी मतलब आपका डिसीजन डार्क में हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर एक आदमी को किसी को चुनना चाहे तो मैं नए चेहरे की बात करना, नए चेहरे की बात करना, आपको लगता है कि नया चेहरा आएगा तो और भी इनसे कर क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है बेहतर काम, ऑब्वियसली कर सकता है, नया चेहरा दिखना चाहिए हर बार। चलिए इधर कुछ लोग हैं, इधर हम रोज निकलते चलते हैं। हम जानना चाहेंगे सर 2019 में सरकार आपके हिसाब से किसकी होनी चाहिए? मोदी की होनी चाहिए, ऑब्वियस मोदी की होनी चाहिए जी। राहुल गांधी की नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी में मैच्योरिटी अभी नहीं आई है, मैच्योरिटी नहीं है अभी, जो पूरे भारत वर्ष के लिए जिस तरह के स्थिति है विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों ही स्तर पर उस स्थिति से निपटने के लिए राहुल गांधी अभी तैयार नहीं है। नहीं है उनको अभी और सीखने की जरूरत है। ये मैं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं आए, लेकिन जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, भारत को चलाने लायक हो जाए तब वो। अच्छा सर ये भी आप तो यात्रा करने आए हैं, जा रहे हैं, हम ये जानना चाहें कि रेलवे में कुछ सुधार पिछले 5 सालों में कुछ हुई है या नहीं पहले से बेहतर? रेलवे में तो काफ़ी सुधार हुआ है, पहले टिकट के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी। हाँ दिक्कत, काफ़ी दिक्कत होती थी, दलालों के बीच में पड़ा ये। अब ऑनलाइन आप ले रहे हैं? ऑनलाइन तो काफ़ी दिनों से चालू है, लेकिन अब टिकट की अवेलेबिलिटी हो जा रही है और वेटिंग जो भी है वो कन्फर्म हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ खास समय छोड़ दीजिए तो मैंने पुनः एक बार नरेंद्र मोदी को मौका मिलना चाहिए, उनको मिलना ही चाहिए, राहुल को एकदम नहीं, अभी नहीं, बाद में अभी तैयार हो जाए तो। चलिए इधर हम चलते चल रहे हैं, इधर जो सवारी लोग हैं अगर कोई मिल जाए तो उनसे भी पूछ लेते हैं। राजधानी एक्सप्रेस से सीधे यहाँ डायरेक्ट जनता की राय सुन रहे थे कि आखिर में रेलवे में भी कुछ सुविधा हुई है या लास्ट चलते चलते ये बताते जाइए कि इस बार सरकार किसकी होनी चाहिए? मोदी जी की, बीजेपी का। राहुल गांधी का एकदम नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई साहब राहुल गांधी बोले पप्पू है, पूरे पप्पू है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो आएंगे तो सरकार चला पाए? 70 साल में किए क्या? नहीं कुछ किया, हम मोदी जी है, हम बीजेपी। ठीक है ओके भाई। चलिए ट्रेन खुल गई है और यहाँ की राजधानी एक्सप्रेस की जनता की राय जान रहे थे कि इस बार कुछ लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम किए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि नई कांग्रेस आएगी, कुछ लोगों ने कहा कि जो नया चेहरा आए तो ज़्यादा अच्छा रहे। यहाँ से हम लोग दर्शकों की राय जाने सुने। अगर आप सबको भी अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें,
चैनल पर जो दोस्त नए हैं उनसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली चुनाव यात्रा में, तो बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।